सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मासूम और आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में फेस आईडी का मज़ा उठा सकते हैं बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं ये काम कैसे होगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप फेस आईडी का मज़ा ले सकते हैं कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे सेट अप कर सकते हैं अपने फेस आईडी को। सबसे पहले फ़ोन अनलॉक कर लीजिए। फ़ोन अनलॉक होने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। आप सेटिंग्स के अंदर पहुँच जाएंगे तो आपको ढूंढना है सिक्योरिटी का ऑप्शन कहाँ पे है, और यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा गया, मैंने टैप किया, सिक्योरिटी आया। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी डालना है, नहीं तो जो ये मेन फीचर है स्मार्ट लॉक, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है स्मार्ट लॉक। सो इसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन लॉक में कुछ भी, मैं पैटर्न आज सेलेक्ट करता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं एम लिख दे रहा हूँ, कंटिन्यू, देन फिर से एम, कंटिन्यू, कन्फर्म और डन। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको जाना है ये स्मार्ट लॉक पे और अपना पैटर्न या पेन जो भी है डालो। और उसके बाद बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेस, ट्रस्टेड डिवाइस और ट्रस्टेड फेस। आप देख सकते हैं फेस लिखा गया है, ट्रस्टेड वॉइस का भी फीचर है, उसके ऊपर अगर आपको चाहिए वीडियो मैं बना दूंगा, बट अभी है फेस वाला। तो फेस वाले में क्लिक कीजिए, सेटअप करना है फेस, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कीजिए, सेटअप, और नेक्स्ट जैसे करेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं वैसे कैमरा हो रहा है, बट उसके लिए मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है इसको फेस को। जैसे कि फेस अपने आप डिटेक्ट भी कर लिया, सो मेरे को नहीं समझ आया, उसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, एक और बार मैं करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ट्रस्टेड फेस करके दिखाने वाला हूँ और पूरा फुल सेटअप करके बताऊँगा। सो यहाँ पे मैं अपने चेहरे को ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है। और ये हो चुका है डन। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हो चुका है डन। और सिर्फ अब मेरे को सिर्फ अपना फेस दिखाना है, हो गया अनलॉक। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये अनलॉक होता है, बट मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये एकदम परफेक्टली फाइन नहीं, ये 2D पे काम करता है। ओके, मैं आपको सब चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूँ, तो इसको फ़ोन को बंद करते हैं, लास्ट टाइम एक बार आपको दिखाता हूँ मैं क्विक, बहुत जल्दी होता है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने बताया आपको ये बहुत अच्छे फीचर के बारे में, और मुझे ऐसा ये लगता है कि आपको एक बार कम से कम ट्राई करना चाहिए ये फीचर। अगर आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा जो है वो बहुत अच्छा है तो आप फेस आईडी का मज़ा उठा सकते हैं, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास फिंगरप्रिंट होगा या स्वाइप टू अनलॉक से ही काम चलाइए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फेस अनलॉक वाला फीचर जैसे मैंने आपको बताया फ्री में मिलता है, ट्राई मारिए, मैंने जैसे मेथड बताया है उसे ट्राई मारिए एक बार, मतलब ट्राई करके देखिए यार, फ्री में हो रहा है, ठीक है। 60-70% टाइम बस काम करता है, बट ये 30-40% काम नहीं करता है। एज़ कम्पेयर टू फिंगरप्रिंट सेंसर, ये बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये 2D रिकॉग्निशन पे मतलब जो काम करता है, ये सिर्फ 2D रिकॉग्निशन करता है। लाइक अगर आप कोई जिसका फ़ोन है उसका अगर फोटो भी दिखाओगे तो भी ये अनलॉक कर देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे इम्प्रूव करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सोशल मीडिया पे, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है सबके पास शेयर करो, लाइक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ शेयर कर सकते हो करो। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बंद करते हैं, मैं मिलूंगा अगले किसी वीडियो में आपसे, तब तक लिए बाय बाय। सो बाय।